नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटर वाइंडिंग, पंखा वाइंडिंग, रिपेयरिंग से संबंधित कुछ बातें करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में कोई मोटर वाइंडिंग और कोई पंखा वाइंडिंग नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि मोटर वाइंडिंग, पंखा वाइंडिंग से रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया हमको मोटर वाइंडिंग सीखना है, पंखा वाइंडिंग सीखना है, हम कैसे उसको सीखे। हम खुद से वाइंडिंग करते हैं, पंखे की स्पीड नहीं आती है। बहुत सारे प्रकार का हमारे पास कमेंट आते हैं। कई भाई लोग कॉल भी कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से वो नंबर ले लेते हैं। वैसे मैं नंबर किसी को देता नहीं हूँ। भाई साहब अपना पर्सनल नंबर किसी को कैसे दे सकते हैं भाई साहब? कई भाई लोग कॉल करते हैं, तो यानी कि लगभग सभी का यही प्रॉब्लम है कि मोटर वाइंडिंग हम पंखा वाइंडिंग कैसे सीखे, क्या इसमें फ्यूचर है, कितना इससे पैसा कमाया जा सकता है। सभी सवालों को आपका जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ये मोटर वाइंडिंग या पंखा वाइंडिंग ये एक टेक्नीशियन काम हो गया। यानी कि इससे आपको काम अगर अच्छा खासा आपके पास आ रहा है तो आप अच्छा खासा इससे पैसा कमा सकते हैं। सबसे मेन डिपेंड करता है कि आप काम कितना कर रहे हैं, सिर्फ मोटर वाइंडिंग कर रहे हैं कि पंखा वाइंडिंग कर रहे हैं। जैसे मैं अपने बारे में बता दूँ तो जो हमारा शॉप है वो एक विलेज यानी गाँव में एक शॉप है। अगर यही शॉप हमारा शहर में रहता तो हम अच्छा खासा पैसा बना पाते, लेकिन गांव में उतना काम नहीं गिरता है। सिर्फ सीजन यानी सीजन बोले तो सिर्फ गर्मी में, जो गर्मी पड़ता है उसमें काम आता है, उसमें काम चलता है, लेकिन ऑफ सीजन में यहां पर काम बंद रहता है। यहां पे मोटर वाइंडिंग भी उतना होता नहीं है ऑफ सीजन में, और सीजन रहता है तो काम चलता है। अब बात करते हैं आप लोगों के, अगर आप लोग मोटर वाइंडिंग, पंखा वाइंडिंग सीख लेते हैं तो मिनिमम कम से कम 1000 रुपया पर डे तो आम बात है कमा लेना है। 1000 रुपया तो कम से कम आप कमा ही सकते हैं, और महीने के 30,000 से लेके आपको 50,000 तक आपके ऊपर डिपेंड करता है, काम के ऊपर आने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास काम अच्छा खासा आ रहा है तो आप डेली के 2000-3000 भी कमा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कौन कौन सी काम करते हैं, सिर्फ मोटर वाइंडिंग करते हैं, सिर्फ पंखा वाइंडिंग करते हैं, या पंखा रिपेयरिंग, मोटर रिपेयरिंग यानी कि ETC, बहुत सारे जैसे स्टेबलाइजर हो गया, मिक्सर ग्राइंडर, आयरन, ETC, इस ये सब आते रहता है। तो ये सबसे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं 30,000 से लेके मिनिमम आपके ऊपर। यही घुमा फिरा के बोलूँ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कमा सकते हैं, लेकिन अच्छा खासा पैसा जरूर कमा सकते हैं। कहीं पे जॉब करते हैं तो आप कितना आप कमा लीजिएगा, 10,000 से 15,000 के समथिंग में आप उससे कमा सकते हैं। कहीं पे आप जॉब कीजिएगा तो आप कितना कमा लीजिएगा, 10,000 से 15,000 आप खा पी कर बचा लीजिएगा, वही बहुत है। तो इसमें अगर आपका हाथ के हुनर है, हाथ का काम है, तो आप कहीं फिर भी जाइएगा, किसी से माने मतलब नहीं, आपका खुद का काम है, किसी से कोई मतलब नहीं, आप काम कीजिए आपको पैसा मिलेगा। किसी को जी हजूरी इसमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। और किसी के यहाँ मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो उसमें जो आपके सीनियर होते हैं जिसके यहाँ जॉब करते हैं वो थोड़ा बात भी बोल देते हैं, आपको डांट भी सुना देते हैं। मैं भी किसी यहाँ ये काम करने से पहले मैं भी किसी दूसरे के यहाँ काम सीखता था तो वहाँ पे भी ये सब का मुझे सामना करना पड़ता था। मान लीजिए जैसे हमसे कोई गलती हो गया, कोई सामान है वहाँ पर रखना है, कुछ टूट गया फूट गया, उसके लिए बहुत सारे बातें सुनना पड़ती है। तो यही होता है दूसरे के काम में। अब अपना काम होने में बहुत सारा फायदा है कि अपने मर्जी से काम होता है, मन हुआ तो काम किए, मन नहीं हुआ तो काम नहीं किए। तो यही होता है अपने काम और दूसरे के काम में। तो मेरा कहना है कि आप लोग भी कुछ ना कुछ टेक्निकल हाथ का हुनर ले लीजिए ताकि अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए फ्यूचर में। और फ्यूचर के बात करें तो लगभग 5 से 10 साल के बाद इलेक्ट्रिक क्रांतिकारी आ जाएगी। वैसे आ गया, जैसे कि अभी आप सोचिए कि बिना इलेक्ट्रिक का कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, एक से एक अभी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट सब आ रहा है, सभी में इलेक्ट्रिक यूज हो रहा है। अब तो जैसे बाइक हो गया, अब इलेक्ट्रिक बाइक आने लगा, उसमें भी मोटर का यूज होता है, उसमें भी वाइंडिंग होता है, कॉपर वाइंडिंग हो या अल्मोनियम वाइंडिंग हो, यानी कि हर चीज़ में। ई रिक्शा हो गया, ई रिक्शा में भी मोटर का यूज होता है, यानी कि हर चीज़ में इलेक्ट्रिक घुसा हुआ है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें अच्छा खासा फ्यूचर इसमें बना सकते हैं। और बात रही इसमें इनकम की, तो इनकम भी आप इसमें अच्छा खासा कर सकते हैं। आप लोगों को आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसमें मेहनत करना चाहिए। थोड़ा सा वक्त लगता है, कोई से भी काम सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर आप काम सीख लेते हैं
तो आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। आपका फ्यूचर ही नहीं, आपका आने वाला फ्यूचर जनरेशन होगा उनका भी फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अभी तो ठंडी है, जनवरी का मौसम है, अब आने वाले 2 महीने बाद फिर से सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है, उसको देख करके आप मोटर वाइंडिंग, पंखा वाइंडिंग, रिपेयरिंग सब सीख सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको उसके ऊपर हम वीडियो जरूर कोशिश करेंगे बनाने के लिए। वैसे इस चैनल पर हमारा कोई खास इनकम हुआ नहीं, अभी तक चैनल मोनेटाइज हुआ 5 से 6 महीने हो गया, लेकिन अभी तक एक भी पेमेंट नहीं आया है। अब एक पेमेंट शायद आने वाले हैं, $100 शायद पुर गया हुआ है। तो इस चैनल से तो कुछ इनकम है नहीं, कभी कभी इसीलिए डीमोटिवेट भाई होना पड़ता है कि क्या इस फील्ड में, अगर मान लीजिए ये जो वीडियो हम बनाते हैं यूट्यूब चैनल पर हम डालते हैं, आप लोग वीडियो देखते हैं, कितना वीडियो देखते हैं, 1000-2000 रेगुलर वीडियो डालते हैं तो 24 घंटा में व्यू जाता है। यही कोई नाच गाना डांस वाला वीडियो रहता तो इसमें मिलियन लाखों में इसमें व्यू जाता है। तो यही सब हो जाता है कि कितना भी अच्छा मेहनत करो, वीडियो बनाओ, लेकिन इस पर व्यूज आ ही नहीं रहा है तो क्या इनकम होगा, इससे कोई आशा नहीं है इनकम के। इसीलिए वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है, वीडियो थोड़ा नहीं बन पाता है। वैसे एक हम मिनी ब्लॉग चैनल बनाए हैं, वहाँ पे मिनी ब्लॉग हम अपलोड करते हैं, वहाँ पे आप लोग मिनी ब्लॉग चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिनी ब्लॉग चैनल का नाम है, आप लोग सर्च मारिएगा यूट्यूब पर गोपाल मिनी ब्लॉग, वहाँ पे मेरा लोगो लगा होगा, वहाँ पर 4-5 वीडियो अपलोडेड है, 7-8 सब्सक्राइबर है, वहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे मेरी लाइव से जुड़ी ही वहाँ पे मिनी ब्लॉग अपलोड होता है, और ये तो खट टेक चैनल है, इस पे वीडियो अपलोड टेक से रिलेटेड होती रहेगी। वैसे ये वीडियो बनाने का कुछ खास मतलब था नहीं, अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, आपके सभी सवालों के जवाब ऊपर हम एक Q&A वीडियो, इसमें आप लोग सवाल पूछिए, आपको सभी सवालों के जवाब हम देंगे। उतना खास इसमें कुछ है नहीं इस चैनल पे। तो जो इनकम, देखिए कोई भी आदमी काम करता है पैसों के लिए काम करता है, जहाँ से पैसा आता है वहीं पे काम करता है। तो इस चैनल से मेरा 1 रुपया का भी अभी तक कमाई नहीं हुआ है, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। वीडियो चल नहीं रही है, वीडियो 150 तक वीडियो हम यहाँ पे डाल चुके हैं, लॉन्ग वीडियो डाल चुके हैं, 150 वीडियो तक लॉन्ग वीडियो डाल सकते चुके हैं, एक भी वीडियो अभी तक ठीक से चला नहीं है। 10 व्यूज, 20 व्यूज, 40 व्यूज ऐसे पर डे के आ रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कभी कभी जी करता है कि इस चैनल को छोड़ दूँ, इस चैनल पर कोई वीडियो वीडियो अपलोड अब नहीं करूँ, क्योंकि इनकम ही नहीं है। आप लोग वीडियो देखते हैं, इससे कुछ ना कुछ सीख पाते हैं, लेकिन क्रिएटर को क्या मिलता है, क्रिएटर को कुछ भी नहीं मिलता है। एड रेवेन्यू कितना मिलता है, एड रेवेन्यू भी मिलता है व्यूज के ऊपर मिलता है, व्यूज आ ही नहीं रहा था, एड रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। तो चलिए, ये वीडियो में आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।